नेक्स्ट वन है कि इसी तरह का ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पुली मास सिस्टम में लगाया जा सकता है। एक पुली से इसकी लेफ्ट साइड में एक स्प्रिंग को ग्राउंड सरफेस से अटैच कर दिया गया और यहाँ पर हमने एक मास को लिया एम, ठीक है। अब इस एम मास को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है किसने, अपने हैंड से। अब सडनली इसे यहाँ से हैंड को हटा दिया जाए तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। अब एक बात यहाँ पर आएगी कि सर यहाँ आपने ग्राउंड बोल दिया, कोई जरूरी नहीं है ग्राउंड हो, ये कुछ भी हो सकता है। अब ग्राउंड होगा तो आप दो अलग अलग बेसलाइन मत कंसिडर करना, एक ही बेसलाइन कंसिडर करके चलिए, ठीक है। बेसलाइन हमने जो, अगर स्प्रिंगर्स का सिस्टम आ गया तो यहाँ पे जो नेचुरल लेंथ की बात आ गई, ये नेचुरल लेंथ है, इस नेचुरल लेंथ में मास कहाँ है, इस पोजीशन पे, तो मास के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो बेसलाइन के। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में बेसलाइन इज इम्पॉर्टेंट, उसे कैसे हमें एज्यूम करना है, उससे जो भी मास उसकी नेचुरल लेंथ पे जो भी मास कनेक्ट है उसके सेंटर से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, उसे बेसलाइन मान लो, वो सबसे इजी पड़ेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक, अब इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे, और अगर इससे ऊपर हो जाता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ऊपर कैसे होता है ये समझा देता हूँ। मान लो इनिशियली इसे खींच के रखा हुआ होता और जब छोड़ते तो ऊपर जाता है सिस्टम, ठीक है। अब जरा समझिए, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड्स व्हाट, आपका जैसे कोई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रो, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा जो भी एक्सटर्नली अप्लाइड हो सकता है, तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कोई नहीं लग रहा। फ्रिक्शन का फोर्स, ये मास किसी के साथ रब तो नहीं हो रहा, फ्रिक्शन का फोर्स भी नहीं लग रहा। सो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों फोर्स एब्सेंट है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को लगा सकते हैं। देखो मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब लगेगी, जब फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स आर एब्सेंट, देन ओनली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल होता है। तो हमने ये वाली जो लाइन थी, ये बेस लाइन, वही बेस लाइन है, उसको डायग्राम को एक बार और बनाया है, थोड़ी जगह कम थी। तो जैसे हमने हाथ को हटाया तो ये सडनली नीचे की तरफ फॉल करेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और वहां से फॉल कर रहा है ना, तो नीचे आएगा एक मैक्सिमम लेंथ तक, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन हो गया एक्स। अब हमें यहाँ पर देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फाइनली ये जाकर रुकेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, डिस्प्लेसमेंट एक्स का हुआ है और आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है बेसलाइन से, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, माइनस एम जी एक्स। अब इस पॉइंट पर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, सेकेंड इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने बेसलाइन इसी को माना है, हमने आप अपने आप बेसलाइन इसे मान लिया, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जो बेसलाइन रेफरेंस लाइन है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देन आपकी बात आती है थर्ड, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बेटा स्प्रिंग इस पॉइंट पर तो अनडिफॉर्म्ड थी, इस समय स्प्रिंग में किसी तरह का खिंचाव नहीं हो रखा था, तो इस वजह से इस पॉइंट पर एक्स, डिफॉर्मेशन वाला एक्स नहीं था, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। कैलकुलेट करा, सेम आंसर आपको ऑब्टेन हो रहा है। ओके।